अस्सलाम वालेकुम गुलराज मराकश वशी सोबा गो मन कायनात फकीर मोहम्मद इकबर पदश वंद मसाड़िया वशत कना गुलराज एक नो के रोज एक नो के सोबे तहा सन पेश अल्लाह ताला लक मिन्नत गिरे के मार्श मार एक नो के सोबे दाता अंचो के कुदरत निजाम ने मगा के बचम शांत दें धम रोज रोज तर के शपे तहारिया गार कन और मारश हमारा में सकेन रसी में हर चवारी फिश्ता यक फशी हस्ते गुलराज ने चुम सरपद है ताहम उक्रोज हम उक्सो मति मराक्षे बिंदात कने जिता जिताई पिड़ा चे हम ग्रंचे मेहमान न दावत देंगे मुझे तो कोशिश था कि मराक्ष मान बिल एक जानी सरपदी मार्च मत अक्सर बिल गुलराज ने चुम सरपद है अल्लाह ताला और बंदे एक रिश्ता है ना अंचो खूबसूरत रिश्ते के बंदा कदी कदी जिंदे तहा अंचो मतलब एक मरहला है तहा पसी के आ सरपत भी कि आइए देमा इच कुमक न रसी भले अल्लाह अंचो उम्मीद दा अल्लाह अंचो यकीन है घुमा ये खेसते ये मामला तचे कशी कि आ नजान ते के छे पैम खुदा ताला कैसे आ कश तो अल्लाह ताला सर उम्मीद मैं बरकरार बैग लूटी और अंचो के मरुची जो मैं वह शुरू छे जो मैं वश रोचा कोशिश बेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा गेश अच गेश दरूद पाक रवान भी थी और सूरह काफ वान अल्लम कैसे बवाने था बियाल में बैठा ओ बेमा तर्जमा व तफसीर कैसे बवाने था ताकि हमा के अहकाम रब्बुल आलमीन हमारा दैग लूटी आए रमक सर पर दे। अच्छा कले राज अल्लाह ताला है ना हीलिंग के मुख्तलिफ ज़राए हस्ता खुदा ताला वती नेचर है गुमा कुदरत है हमें का के ऐसे मुख्तलिफ़ नदारा गा आयनी गुमा इंसान दिला किसते तर्री नहीं इंसान दिला वशतेर गनते जो कि मरुची मागा बेचारे मरुची वादा कराची है मौसम अंचो वश बह गए कि इंसान सोबे सरा पात कह मौसम गिंदी वत मूड वश भी मौसम गिंदी इंसान कैसे स्ट्रेस परेशानी दुरुस्ती दूर बहनते तो खुदा ताला ए जरिया या जरा या कि अल्लाह ताला नेचर है जरिया या इंसान के अस्ते फितरत आ इंसान के अस्ते नेचर आ हील कनते यानी आ ये दवा कनते ये दरमान बनाए नहीं इंसान वास्ता कि हमें का ये परेशानी अस्ता हमें का ये स्ट्रेस अस्ता अदरुस्ती ख़त्म गया और ये मौसम आ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तैयारी बहेगा भी कैसे लोग जैसे दाल चावल बन गए कैसे लोग पकौड़ा बन गए कैसे लोग अच्छे ऐड कर गए जैसे ही मौसम खुशगवार भी मर्दमानी दिल अलग अलग वर्ग चीज ताते चाट इन्हें वगैरह वाला ते गोलगप्पा इन्हें वगैरह वाला कराची ये जिंदा दिले मर्दों गेश देर कैसे और मौसम इंजॉय करने का पेश पेशन तो अंचो के महकमा मौसमियात इन्हें मगर चाहिए मरुच की रोच और मादात की रोच गरज चमक के घुमा बास तेज़ और एक ऐसे पेशन गोई कनक बुत्ता अल्लाह ताला ही और बाईस रहमत पिकनते ना के बाईस जहमत दुरुस्त आने वास्ता रहमत वाला और भी पिछे के चूना हा खुदा ताला बास खुश बीते गुड़ा और बीते तो ये और मौसम यकीनन शुमा इंजॉय करने था भले गुमा गुमा दुआ हम बेकने के हम मर्दुम के आयने यक प्रॉपर आयना साइग ने इसते प्रॉपर कैसे आयने छत ने इसते आयने वस्ता अल्लाह ताला रहम बेकनते और आयने वस्ता जराए पैदा पेका के आहम व तारा महफूज जाहा कैसे ये और अच्छे महफूज बेकनते आमीन द कायमा अलम कैसे मरुच की मराक्ष तहा मा शुमे गुमा यकीनन कुकिंग ने मगा हम रमे कमो देरा पद कि मरुच शुमे वस्ता और मौसम हम अच्छे ऐड करना हो गया रन तेरा गुशा पड़ सके कमो सरप्राइज है वश्तर बीते यकीनन चुक्का ने भी फेवरेट है मज़ा ने भी बाज शौक सरा वरा और ए मौसम बाज दिल लूटी ते चुशी चीज़ वरेगा खैर पकौड़ा नया इंचो भोगशा लेकिन देगी चीज़ है ये था सरप्राइज है अच्छा कि जुमे वश रोज है माई हम कोशिश होते हैं कि जुमे वश रोज आचा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसे जिक्र असकारा गो हम बिगवाजे ने और गोमा गोमा शुमारा कैसे मौसम है हम वशिया कैसे बोगोशन के अल्लाह ताला के हमारा नेचर है गुमा हमारा हीलिंग आदाता तो आइए हम शुक्र अदा भी करें शो हमारा कॉल खुद करें हालदात करें ता मौसम हवालिया के मुख्तलिफ जहाँ मुल्क कैसे कुजाम कुजाम दबंगा और बैग स्टार्ट बुत्ता और शुमा चून इंजॉय करें ता और मौसम अच्छी अच्छी ऐड करें ता अच्छी अच्छी वर के दिल खुशी लॉकडाउन है बिल्कुल बाजी चीज़ें बंद आ रेस्टोरेंट ने मगर वक्त नबी लेकिन ठेला वाला लाती चीज़ हंसना लेकिन आया नहीं वस्ता कम फिंगर्स क्रॉस्ड सेहत मामला भी चारक कपीते चे चे के मर्दों बेचारी साफ सफाई अस्ते यानी इससे नी गुड़ाने मगा बरोते भले चून इंजॉय करें था हमारा लाजिम आल वित मफोल कॉल खुद करें था कॉलेज जरिए हमारा गोश खुद करें कुजाम जाहा कुजाम दमगा और बह गए कुजाम जाहा और पेशेंट गोई कनक बुत्ता और मौसम चिक्का खुशगवार मौसम खुशगवार बीतती बलोचिस्तान ने मगा स्पेशली बाज़ मर्दों की फैमिली गुमा दर कपीते मुख्तलिफ़ जा के से पिकनिक पॉइंट्स आना और बाज़ इंजॉय करते शो हमारा हाल दात करें तो वती इंजॉयमेंट आने हवाला एकदम होती आयो के मेहमान है दशत करना मुस्तफ़ा जकी साहब मैगमा हमरादार है वाजह वशत कन थी मेरा रिश्ता के का बाहर जुड़ता वाजह चे मरुची के अस्ते गोशदारे ने नात मनकबत और अच्छे वेद हमदे बारी ताला लूटा के हमदे बारी ताला अच्छे पेशा माँ बिंदात भी करें अस्सलाम वालेकुम कैसे आप खैरियत से आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और चूँकि आज जुम्मा मुबारक है बहुत मुबारक दिन है और चाहूँगी कि इस प्रोग्राम का आगाज़ हम हमदे बारी ताला से करें بسم
जिसने की तेरी जुस्तजू उसको मिल गया तू, सबका तू रहनुमा। ए खुदा, ए खुदा, हर सहर फूटती है एक नए रंग से, सब जाओ गुल खिले हैं सीनाए संग से। ए खुदा, हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। ऐ खुदा, जिसने की तेरी जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा, अल्लाह बाज़ वशे हम दे कैसे मारवाजे गोश दारे इन तंचु के वाकई अल्लाह ताला जस्तुजु हरकस के कंते आई रब अल्लम रसीद थे। चून जस्तुजु भी बाज़ आसान है यक सजदई और अल्लाह ताला नज़दीकी, फ़कत इंचो भी गोश करें कि अल्लाह ताला व शह रगच भी गेश नज़दीक तेरे। तो आइए फ़कत आवाज़ दए और अति तवारा इश कंते अगुशी कि मनी निमगा मनी बंदा यक काम चिस्तकंत और माँ आइए निमगा दो गाम चिस्तकंत। अगर आ मनी निमगा दो गाम चिस्तकंते और अकैते मनी नज़दीका तो माँ ये निमगा तचा रवा के माँ ये वती निमगा ब्यारा ये वेलकम बेकना। तो अल्लाह ताला व मुंतज़िर कि ये बंदा ये तवार पर भेजा आइए केरा तौबाजारी बेका और आइए नज़दीकी अब लूटी। तो लूटी कि माँ वत कैसते रब्बुल आलमीन ने नज़दीकी अगर लूटें तो माँ अल्लाह ताला ने मगा बुरू ये इबादत पे करें। फ़कत माँ हुआ पंच वक्त नमाज होनेगा हम सुस्ती करें तो इबादत दर्जात व देगी चीज़ना। माँ पंच वक्त नमाज हम इबादत तक काउंट करें लेकिन अब फ़र्ज़ कनक बुतगा मैं सरा नफली इबादत नहीं मगाऊँ माँ रवी ना होती डेली रूटीना। पहले कोशिश पे करें कि हमें पंच वक्त नमाज की फ़र्ज़ कनक बुतगा पेशा माँ आए नहीं पाबंद भी भाई हमें कभी रब्बुल आलमीन कैसे हमारा तौफीक बिना कि मोती नमाज नहीं पाबंद भी कई बदा सहाल निमगाती मौसम हवाले गप करें। मौसम के वश बीते इंसान दिल निमगा बहुत वशी कहते माँ पर्सनली फील करना कि जब मौसम चेंज भी तो इंसान नेचर सारा बाज़ इफेक्ट करते। इवन अगर माँ रिसर्च बेचारे तो मुख्तलिफ मुल्क ने तहा हमा ममालिक के गर्मा आयने तह गेशतर गर्मा के मौसम बीते अवधे मर्दमानी मिजाज तहा तुंद और तेज़ी के अस्ते गेश अस्ते और हमा जहाँ के अस्ते सर्दी ममालिक अस्तां तकरीबन अवधा सर्दी रुझान गेश हैं तो अवध मिजाज तहा ठंडक महसूस होते मतलब आयने मिजाज तहा तेज़ी गुस्सा और ए तेज़ तरारी का पुतरा नेस्ते आयन तहा के अस्ते नरमी बाजन आयन तहा आजी बाजन मौसम है कैसे असर और नेचर असर सखबाज बीतते इंसान फितरत सारा। तो शुमा हमारा कॉल करने के बहुत तो मुख्तलिफ जहाँ मैं इवन पाकिस्तान था अगर मैं बेचारी पाकिस्तान बाज़े इलाका हस्तान जो बाज़ गर्म है स्पेशली बलूचिस्तान ने मगर मैं बेचारी गेशतरी कैसे एरियाज अन तहा गर्मी कैसे बाज गेश बीतते और सर्दी आ सर्दी भी बाज गेश बीतते तो कंट्रोल ना भी बारह शुमा हमारा कॉल करें गुश्तुत करें तक कुजाम ने मंगा गेशतर इवन मना हुआ शपाची अपडेट्स मिलान बीतेगा कि बाज़ी इलाके या शपाची ही और बैग शुरू बीतता मैंने मगा भी शंजगा बीता और शपाची ही फील बैगा बीतता सर्दी गुआत कशे गए मौसम में तब्दीली इंसान मूड अब बेहतर करना गए। तो ये वशतरे एहसास से अल्लाह ताला ने मगा छे कि नहमत रहमत बंदा वो एक चीज़ बर्दाश्त न का दर हकीकत सर्द भी मागुशी सर्दी गेशे अल्लाह ताला गर्मी अब आरी गर्मी भी मशे गर्मी गेशे अल्लाह ताला जल्द कैसे ही मौसम तब्दील बिका और मैं दुआ वत लूटे भले और भी गुड़ा गेशी और कैसे मैं बर्दाश्त कुछ न करें आइए इसबाब हस्ता लाते मर्दम गोशा कि माँ गेशी और बर्दाश्त कुछ न करें आइए इसबाब ऐशा कि मैकेरा निज़ाम जैसे इंसाना बेहतर बनाएं तगना अड ना कुतगा आप जमा बयाँ कीचड़ बीतते गंदगी बीतते हमें आते रह माँ डिस्टर्ब बें कि मैं अमा मौसम के मारे इंजॉय करने लूटी अल्लाह ताला शुक्र अदा करने लूटी अल्लाह ताला
ये मेहरबानी है सारा के ये हजारों शुक्र अदा करना लूटी हम जहाँ मस्त शिकायत करने लगी या अल्लाह बस और बंद बीबी चेके माँ बस जगे इधर और जस्ते आप रिछ गए लोग रिछ गए लोगे छत के से आप रिछ गए टपके गए वो पदा दन्ना दरा तो कीचड़ी चिड्डी आप जमाया इस तमामी जो निज़ाम है ये जो जाले यानी ज़मीनी निज़ाम है आस्ते अल्लाह ताला हमें दस्ता रहता है इंसान दस्ता रहता है इंसान हमें कब बेहतर कनते हमें कब वशतर बीतते पूरा मौसम है इंजॉयमेंट हम तरफ वश फील बीतते ना कि अगर कुदरत अगर निज़ाम अचारे ये टाइम आ यकीन बिकने जंगल है निमगा या आगा पहाड़ी साइड अगर तो रवे तो मैंने जो खूबसूरत लगी आइटम उधर मतलब और भी तो उधर नज़ारा ही मुख्तलिफ बीते जो ग्रीनरी है अब मज़ीद ये तहा निखार कहते जो उधर खूबसूरती है ये चार चांद मज़ीद लगी थी यानी और अच्छे फर्दर पदाए रंग के रैम्बो के जोड़ बीते मैं चूँकि अब मेकअप पोल्यूशन है और रंग रैम्बो भी ज़ाहिर नहीं हमें कब पॉल्यूटेड एयर बनता ना मैं कह रहा आसमान हम अमीन चो पोल्यूशन दाते गए अमीन चो आलूदगी पैदा कुतगी इंसाना कि अ रैम्बो हम जाना है थे अरे लिखा पुतवा ने जारी बीते शुमा हम हमरादार बित कुत करें तब कॉल कुत करें अनि मरा में पता वाजह नहीं मंगा मुस्तफ़ा जकी साहब ने मंगा कि मारा गेश तेल देमा छी गोश्तार में थे जी जकी साहब आपकी तरफ आएंगे नेक्स्ट आप क्या सुनाना पसंद करेंगे जी जी ज़रूर रुक लेती है आपकी निस्बत रुक लेती है आपकी निस्बत रुक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं और ये करम है हुजूर का हम पर ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अजाब टलते हैं है करीम ओ करम खिसाल वही भीख देते हैं हसबे हाल वही है करीम ओ करम खिसाल वही भीख देते हैं हसबे हाल वही उनको आता नहीं जवाल कभी उनको आता नहीं जवाल कभी किस्मतें जिनकी वो बदलते हैं और वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी वो समझते हैं बोलियाँ सबकी वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी वो समझते हैं बोलियाँ सबकी आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले गम खुशी में यहाँ बदलते हैं और अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है अपनी औकात सिर्फ इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं अब हमें क्या कोई गिराएगा
हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, और जिक्र सरकार के उजालों की बेनियायत रिफत है खालिद। ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे। ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं। माशाल्लाह, बाज़ वशी बोल और बाज़ वशी कलामत नात कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तारीफ़ व तौसीफ़ के वाजे वांद। वाकई कैसे हर इंसान है तकरीबन हर मोमिन दिल वाहक बीते के यक रंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े अभी गिनती यक रंदी काने काबिया कैसे गुरूर गिलाफ़ अबिदारी वती गुनाह नहीं माफ़ी बुलूटी ते और इंसान व चूना गुनाह पुतले खताए पुतले। अल्लाह ताला कैसे मैं खताया ना मैं गुनाह ना माफ़ बेका और मारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े ज़्यारत नसीब बेका और वती काने काबे तवाफ़ नसीब बेका। आमीन। अच्छा मो मौसम हाल वाला शुमे गुमा हम जीरो गया वती मेहमान नहीं मंगा हम रवा पर छे के माँ देवा कैसे हवा चीज़ अटकना तो लाजम टेस्ट करने के वस्ती मेहमान ही दया कि आ छी खुशी और आ छून परी मौसम इन्जॉय करते। अच्छा मुस्तफ़ा ज़की साहब, चूँकि मौसम के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि अब तो खुशगवार मौसम है कराची का, माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि रहमत बरसने लगी है और आने वाले दिनों में दो दिन में पेशन गोई की गई है तो बहुत तेज़ बारिश होगी थंडर स्टॉर्म के साथ। तो आप बारिश को कैसे इन्जॉय करते हैं? ये ठीक है, कोई चीज़ हर चीज़ बहुत अच्छी है, नेमत है परवरदिगार, बेशक बेशक, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़हमत बन जाए। तभी मैंने दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह इस बारिश में पाए से रहमत करें ना कि पाए। बिल्कुल, तो ये है कि इन्जॉय करना चाहिए हर चीज़ को, यहाँ पे अल्लाह की हर रहमत को इन्जॉय करना चाहिए, बारिश भी है और दुआ करते रहना चाहिए कि परवरदिगार ये रहमतें अपनी बरकरार रखे। हाँ बिल्कुल, मौसम को इन्जॉय करने के लिए अच्छा मुख्तलिफ घराने मुख्तलिफ पकवान बनाते हैं जी। जैसे ही बारिश की एक बूंद पड़ती है हम कराची वाले तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, पकौड़े बनाने लगते हैं जी, भाई दाल चावल बन रहे हैं, कहीं चने चाट बन रही है, कहीं गोल गप्पे खाए जा रहे हैं, कहीं लोग निकल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, कहीं कहाँ तो कहीं सी व्यू की तरफ रुख करते हैं लोग भी, बारिश का मज़ा वहाँ भी बहुत है। तो आपके यहाँ क्या बनता है मखसूस खाना? बारिश में आलू भरे पराठे ओ और पकोड़े, शाम को अगर शाम को बारिश हो रही है तो पकोड़े, और अगर दोपहर में बारिश हो रही है तो आलू भरे पराठे जरूर। क्या बात है, और इसके साथ सिवैयां वगैरह इस तरह ताकि थोड़ा सा मीठा भी गिरे। हमारे यहाँ तो रिवायत है, जैसे हमारे यहाँ जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है सबसे पहले मैं चिल्लाती हूँ पकौड़े बनने चाहिए हरी चटनी के साथ, और उसके अलावा आप दाल चावल बनने चाहिए क्योंकि बहुत मज़ा आता है खाने में, बारिश हो रही हो तो बहुत इन्जॉय करते हैं। और अब तो और मज़ा है भाई, आम भी तो है फलों का बादशाह जो आ गया है, अब तो और मज़े आते हैं बारिश में इन्जॉय करने में आम के साथ साथ। बारिश और आम का बहुत बड़ा एक मिलाप है और इसके आम खाने का मज़ा ही बारिश है ना। अच्छा ज़की साहब, आपकी फील्ड क्या है, मतलब आप नाथवानी की तरफ कैसे हैं? बचपने से एक हमारी गैदरिंग थी, मेरे सारे कज़न्स हम लोग ने यौम हुसैन में पढ़ते थे जी जी, तो उसके बाद फिर सब अपने अपने जी जी जी, तो अलग अलग होते चले गए माशी तौर पर, सब अपनी कई मसरूफियात हो गई। मैंने तकरीबन फिर अलग छोड़ दिया था, लेकिन मेरे 2000 में मेरे कज़न ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इसको पढ़ें वरना आपको खुदा को जवाब देना होगा। तो मैंने ये सोचा कि वाकई ये कलमिया ने अगर आवाज़ दी है तो उनकी तारीफ़ करें जिनकी वजह से कायनात खल्क हुई है। तो मैंने फिर ये सलाम नोहा और ये सारी चीज़ें शुरू की पढ़ने के लिए, और आज बस ये। आप खुद किस फील्ड से मुंसलिक हैं? मैं NICVD में एज ए स्टोर ऑफिसर हूँ। अच्छा जी, ये मैं उसमें शौकिया पढ़ ये है मेरा बिल्कुल बचपने से। तो वक्त मिलता है, कहते हैं कि आवाज़ की रियाजत बहुत ज़रूरी होती है और आवाज़ को आपको बहुत वैसे
मैं ख़ुद पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जिनकी तारीफ़ की जा रही है, जहाँ बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आया, खुदा ताला की आया, या याद हुसैन की बात की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनक़बत होनवा ख़वानी हो, तो जिनके लिए आप पढ़ रहे होते हैं उसके लिए आपके दिल से आवाज़ निकलना बहुत ज़रूरी है, आपके एहसास बहुत ज़रूरी है उस वक्त, जो आप फील कर रहे होते हो वही आपके दिल से आवाज़ निकल रही होती है, तो वो बेहद खूबसूरत होती है। लेकिन वैसे भी इंसान कहते हैं कि आवाज़ की जो है ना वो आवाज़ का ख्याल रखना चाहिए, रियाजत बहुत करनी चाहिए, तो आप खुद रियाजत करते हैं? हम मुहर्रम से पहले थोड़ा सा ये कि एहतियात करने लगते हैं, ठंडे पानी से परहेज़ करते हैं कि ठंडे पानी ज़्यादा ना पिए, और प्रैक्टिस में ये होती है कि सलाम पढ़ते रहते हैं मुसलसल। अगर जैसे मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ अकेले, तो मैं सलाम पढ़ता रहता हूँ, नात पढ़ता रहता हूँ, ताकि गले में प्रैक्टिस होती रहे। बाकायदा इसके लिए कोई मतलब ये नहीं, मखसूस वक्त नहीं रखा है जी। अच्छा, ये जॉब है, फिर मैरिज लाइफ है, इसको देखते हुए हमने अपना टाइम इस तरह रखा है कि जो खाली टाइम मिलता है उसमें पढ़ता है। अच्छा। घर वालों को भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो घर वाले भी सुनते ही रहते हैं। अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए। और वैसे भी जिनके तवस्सुत से वाकई ये कायनात खल्क हुई है, उनके लिए तो पढ़ना लाजम है, और दुरूद सलाम ज़रूर पढ़ें। चूँकि जो मैं वशी रोचक रिराज ज़रूर वानता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के शचि के शुरू का फरमान दीजिए, पढ़ सकें अमा नबी अमा उम्मती है आइए वती हर्च दुआ या फ़कत वती उम्मती है निवास्ता दुआ लोटेता, और अमा दुआ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वास्ता कि ये औलाद है कि हमारा टाइम वफात बीतता कि बच्चे की चुक आ टाइम हम गुशत बीतता कि तो अगर दुआ बलूटे अन्नी भी कैसे खुदा ताला रहम कनते और ये सेहत बहाल भी है ये सा बहाल भी बोले तो आ वादा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ दुआ तक मखसूस होती उम्मत वास्ते होता तो मैं बाय दिन के वाती वाजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के शचि के रसूल पाक सलाम दी थी और ये जो मैं वशी रोचा दुरूदानी बाज़े तहाइफ कैसे तोहफ़ा तहाइफ कैसे माँ खुद ताला दरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरा कैसे रा भी दी ज़रूरी है चूँकि माँ अमा नबी उम्मती हैं क्या ये वती जिंदा बास तकलीफ़ गुआ जिंदा नबोतरन ओ पदा आइए आला के अस्ते बास तकलीफ़ गुआ जिंदा तो मारा लूटी कि हमारा तकालीफ़ के आया ना गुआ जिंदा का आया हम हमेशा याद पे करें और वती जिंदा कोशिश पे करें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल तेरा बे में ताकि मैं जिन ए दुनिया है हम और आ दुनिया है हम आसान तिर भी और मैं वास्ता रा गिशे नक बेबा बारह पदम गपा कारा के दस मौसम ने मगा जो लोग तहा बंद हो गए सबबा वर्गे कैसे रुझान गेश बुता और मर्दों के आस्तान फरमाइश सरफ फरमाइश फरमाइश सरफ फरमाइश करने का लगा और पता और मौसम भी तो गेशी फरमाइश कहें तो माँ पेशा को के मनी आवाज़ पेशा बुलंद बीते के पकौड़ा बनाई नहीं था अंचे आवाज़ में लोगा मुख्तलिफे मैं बराते नहीं मंगाची गुआरे नहीं मंगाची अलग अलग नहीं मंगाची जिता जताई फरमाइश कहते यारिया के वती पसंदीदा एक चीज़ें बीतते और हर छोगे एक ट्रेडिशन ही बीतते एक रिवायती बीतते कि ए रोचा मौसम के वश पीते ये चीज़ लाजम ऐड करना ये चीज़ बाज़ वश है और बाज़ मर्दों में होती तबीयत हम ख्याल न करते ये दौराना अगर आप ब्लड प्रेशर है मरीज़ है शुगर पेशेंट है या हर चीज़ है ये बीमारी या बियाल भी अच्छा एक्साइटमेंट में ना बंदा भूल ही जाता है कि उसे खुद क्या बीमारी है उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं भाई बारिश का मौसम है तो कुछ भी खा लो अच्छा हाँ कॉलर है कॉलर वेट कर रहे हैं पहले कॉलर की तरफ बैठते हैं जी अच्छा सद्दाम मुराद मैं मोहम्मद आरी अस्सलाम वालेकुम मौसम मैंने मगा वो मौसम बाज जवान है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जवानी मौसम के भी और है मौसम भी शो मचे हुआ रख गेश पसंद करने था सोचे गए ब्रात वरग मौसम के मुताबिक है गर्मी है गर्मी वरग जैसे मौसम के मुताबिक और भी पकोड़ा वरग दोस्त भी या चे शो मांचो ख्वाहिश भी दिलखुशी के दरा मौसम एंजॉय करने का और आयता ज्यादा हरी स्वर है अच्छा अरीस में क्या रहा माना जानी अरीस वाकई माना जानी अरीस में चीज चीज है कुछ के अरीस में अलीम में शुमा उधर अलीम में अच्छा अच्छा हलीम मरे था क्योंकि पूरी तो गल्ला ही कुमा बनाए नंते जी जी तापाय रोग ने मार करना अच्छा
شما به زاو دور موسم اریس ورک پسند کنه تا بار لیدا و مرد مختلف چیز ور باز مرد شریک شما یاد اتے حلیم ورک بھی باز پسند کنن تے اور یہ موسم ائیں دل خوشی کے اپ حلیم بولو ٹائن تے گرما گرم حلیم بول تے مچی واش جمعے روچا شمع مہمان بھی واشی نات جن گا ماشاءاللہ منتوار منتوار چار واش لگ محنت وار منی برات مارا کال کرنے گیا تیرا اور میں سرحالا بار زور گیا تیرا دکسانی اوشتے وادیت کا اوشتے نمگرہ میں پدکائیں ساڑی میں اور شمارا ماتی سرپرائز حال دیں کہ مروچی اور مسلمہ ماشو میں اس طرح چھے اٹ کرنے گیا ایگو ماں بھی برات